हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्ल्ड कंपार्टमेंट में जो इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है, इसमें देखा गया है कि 120 लोग मारे गए हैं हेलोविन क्रॉड सर्ज में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? साउथ कोरिया, जो सियोल में, ठीक है। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो हेलोविन क्रॉड है, जो एक फेस्टिवल है, ठीक है, ये क्रॉड हुआ क्यों था, क्योंकि एक फेस्टिवल है हेलोविन, और इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की डिवीज़न हुआ था, तो आपको पता है कि उस बीच में जो है ना, एक लाइन बना था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, और कुछ और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग के हिसाब से क्या आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि दुनिया में सबसे बड़ी, क्या क्वेश्चन क्या है, कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर, ठीक है। द ऑप्शन इज ए ब्लैक सी, ऑप्शन बी अरल सी, ऑप्शन सी ओखोत्स्क सी, और ऑप्शन डी कैप्शियन सी, ठीक है। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए पॉज करके, ठीक है। तब तक के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेलोविन जो ये एक फेस्टिवल है, और ये साउथ कोरिया की फेस्टिवल है, और इसे बेसिकली जो है ना, कहाँ पे मनाया जाता है, तो सियोल में, आपको एक तरह से बोल सकते, एक इताइवन लेजर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो उस स्ट्रीट पे जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में लोग एकत्र हो गए थे। किस चीज़ के लिए? तो एक ये फेस्टिवल है, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कि इस फेस्टिवल में कद्दू में जो है ना, एक बोलते हैं इमोजी टाइप का जो है, यू नो, बना करके सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। और इस पे जो है ना, और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे किसी यू नो, जवान महिलाओं को अगर अपना पति ढूंढना रहता है, तो उस सर्च में भी निकलते हैं, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेलोविन फेस्टिवल है, ये किस देश से रिलेटेड है, तो साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें कद्दू पे जो चित्र बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पे याद होगा। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड न्यूज़ जो कंपार्टमेंट है, यू नो, हिंदुस्तान टाइम्स का, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्लोबल लीडर्स ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके थे कि 125 से ज़्यादा लोग उस टाइम पे मरे थे, और अभी 150 का आंकड़ा भी क्रॉस कर गया, ठीक है। हाल ही में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है, योन सुक योल है, और उन्होंने एक तरीके से एब्रप्ट, मतलब डिसीजंस लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की, भाई जितनी भी यहाँ पे इंजर्ड हुए, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, और जो भी यू नो डेड बॉडीज हैं, उनकी पहचान कर, उनका जो यू नो आप बोल सकते क्रीमेशन की काम या दाह संस्कार जो भी होता है क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग, तो वो काम जल्दी से किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे हुआ है। तो ये जो है, आपको कैपिटल जो होती है ना साउथ कोरिया की, दैट इज सियोल, वहाँ पे ये चीज़ें हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्ट क्या है कि एक नैरो जो जगह है ना, हैमिल्टन होटल, बहुत ही फेमस यू नो टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, मेजर पार्टी स्पॉट है सियोल में, वहाँ पे ये चीज़ें हुई है। और ऐसा देखा गया कि पहली बार 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना, उस पार्टिकुलर एक नैरो होटल के आसपास गली में आ गए, और उससे क्या हो गई, एक भगदड़ सी मच गई, और लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, और जिससे क्या हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो, एक तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर पे ये बोल सकते हैं कि क्रॉड को ठीक से संभाल नहीं पाए, और दूसरी चीज़ें कि फेस्टिवल के यू नो एक तरह से बोल सकते हो खुशी में जो है ना, कभी कभी गलतियां हो जाती है, लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी जगह सेफ है, और वो भीड़ में आ जाते हैं, और फिर जो वल्नरेबल्स लोग होते हैं, लाइक बच्चे या बूढ़े हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और आप देखना, अगर ये पार्टिकुलर न्यूज़, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी ग्राउंड लेवल पे जा करके अगर आप बात करोगे ना, तो इसमें डेफिनेटली जो मरने वाले होंगे ना, दे विल बी यू नो इधर चिल्ड्रेन और द ओल्ड एज पीपल्स, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि जब भी भगदड़ मचती है ना, तो वो लोग भाग नहीं ठीक से पाते हैं, ठीक है, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। और वहाँ पे क्या होता है कि लोग जान बचाने की बात आती है, तो यूथ भी क्या करते हैं, यूजुअली वो भी किसी न किसी तरह हरी मोड में भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वल्नरेबल हो गए, बूढ़े और बच्चे, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि योन सुक येई, दैट इज करेंट कोरियन, जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है, और इसकी जो राजधानी है वो सियोल है, ठीक है। तो उन्होंने
हेल्थ मिनिस्ट्री को जो भी एक तरह से बोल सकते हैं शुटली डिप्लॉय किया गया है, डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंस टीम और हॉस्पिटल में सबको भेजा जा रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये जो हेलोवीन फेस्टिवल है ये आपको इताई वन स्ट्रीट जो है वहाँ पे सियोल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया क्योंकि कोविड के 19 का रेस्ट्रिक्शन बहुत लॉकडाउन चल रहा था आपको कोरिया में बहुत स्ट्रिक्ट, वहाँ भी एकदम। तो उनको हटाने के बाद जो है पहली बार कोविड के बाद से एक तरह से बोल सकते हो कि ये हेलोवीन फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब देखो हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखो हेलोवीन जो है ना ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे आप जानते हो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हर साल अक्टूबर 31 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हेलोवीन एक तरह से मार्क्स करता है द ईव ऑफ द क्रिसमस फीस्ट ऑफ ऑल हेलोज डे, ठीक है। आपको पता होगा कि नवंबर में जो है ना यहाँ से एक तरीके से बोल सकते हैं नवंबर 1 जो है ऑल हेलोज डे स्टार्ट हो जाता है क्रिश्चियन फीस्ट का, ठीक है। और इस दिन जो है ना पीपल सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मैं अक्टूबर 31 की बात करता हूँ, विद द रेंज ऑफ एक्टिविटी जैसे कार्विन पम्पकिन इनटू द जैको लालटन टू ड्रेसिंग अप एज अ स्पूकी कैरेक्टर फ्रॉम देयर फेवरेट बुक्स एंड फिल्म्स एंड अटेंडिंग हेलोविन पार्टीज, ठीक है। और इसे ट्रिक और ट्रीट के अट्रैक्शन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ट्रिक और ट्रीट फेस्टिवल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि चिल्ड्रन जो है ना हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहन करके अपने नेबरहुड के घर को विजिट करता है और उनके सामने ट्रिक और ट्रीट एक फ्रेज बोलता है, ठीक है। जिसमें ट्रीट का मतलब है कि आप इन्वॉल्व होंगे कैंडल्स और अदर कन्फेक्शनरीज जो केक कुक है वो खाने के लिए, और उसके बदले आपको ट्रिक दिया जाएगा कि आप जो है ना या तो कुछ आर्ट परफॉर्म करो या कुछ डांस वंस करके बता दो जो हार्मलेस मिसचीफ होना चाहिए, मतलब हार्मलेस नहीं होना चाहिए। तो ये एक रिचुअल है, हेलोवीन रिचुअल है, ट्रिक और ट्रीटिंग। तो आप ये भी बोल सकते हो रिसेंटली न्यूज़ में जो ट्रिक और ट्रीटिंग है ये किस पार्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो हेलोवीन रिचुअल से, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे यहाँ पे आप देखते हो इसमें स्पूकी कैरेक्टर बनाया जाता है किस चीज़ पे आपको, तो कद्दू पे, पम्पकिन पे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाइक मिडाइवल टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि टेकिंग कैंडल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इन एक्सचेंज फॉर अ मिसचीफ फॉर सम एक्टिविटी दैट इज ट्रिक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पहले यंग पीपल जाया करते थे, ठीक है, नेबरहुड हॉस, और अगर ट्रिक और ट्रीट पूछते थे तो वो सॉन्ग और पोएम सुनाया करते थे और उसके बाद उन्हें कन्फेक्शनरीज या टॉफ़ी या कुछ भी मिलता था, ठीक है। आजकल केवल यंग चिल्ड्रन जाया करते हैं, ये प्रैक्टिस थोड़ी पुरानी हो गई। दूसरा, फाइंडिंग अ हस्बैंड, अगर कोई जवान महिलाएं हैं उन्हें अपना गुड हस्बैंड चाहिए तो वो घर जा कर के एक तरीके से बोल सकते हो डार्क रूम में खड़ा हो जाता है और कैंडल के सामने जो है मिरर में देख करके एक तरीके से आप बोल सकते हो अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फाइंडिंग अ हस्बैंड एकदम वही जो मैंने आपको बताया वही था यहाँ पे। और वर्ल्ड वॉर 2 से भी जो है ना इसकी एक तरीके से बोल सकते हो जुड़ा हुआ पहलू है, क्योंकि हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जो है ना शुगर की राशनिंग हो गई थी, मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी में आपको शुगर जो है ना वो एक तरीके से जो मिलता था वो इस रिचुअल को बंद कर दिया, क्योंकि होता क्या है कि इन सारी चीज़ों में जो कन्फेक्शनरीज है उस टाइम पे इस सबको बनाने में क्या होता है कि आपको शुगर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ट्रीट करना है तो सडनली हो सकता है कि इस फेस्टिवल के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगा तो आपके पास तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में शुगर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कैंडी कंपनीज जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया कि चलो इस पार्टी को करो और मैं आपको कमर्शियलाइज फॉर्म में जितनी भी आपकी ट्रीट की चीज़ें होंगी वो, साथ ही साथ एक स्टिंगी जैक की जो है ना ये एक तरह से बोल सकते हो जैको लालटेन है जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हो उसमें जो आपका पम्पकिन है उसमें जो है इसको एक तरीके से बनाया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्टिंगी जैक थे एक आयरिश मैन हुआ करते थे जिनको ऐसा मानना था कि न तो वो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और न तो नर्क जाएंगे, इसलिए वो अर्थ पे एक लालटेन लेकर के जो है ना वो सच्चाई की तलाश में जाते थे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक सिटी कनाडा में है जिसको बाथर्स्ट फाइंस चिल्ड्रेंस ओवर द एज ऑफ 16 इफ़ दे आर कॉट टेकिंग पार्ट इन ट्रिक और ट्रीटिंग। तो बेसिकली फाइन फॉर ट्रिक और ट्रीटिंग। तो एक शहर है, सिटी है कनाडा में जिसको बाथर्स्ट बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है चिल्ड्रेन ओवर 16 के लिए,
अगर उसे ट्रिक और ट्रीट में पार्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ बहुत अच्छा सा आप देख रहे हैं स्पंकी टाइप का जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फिगर बनाया गया है, तो मैं ऐसी पम्पकिन की बात कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये सिचुएशन अच्छा लगा होगा। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका आंसर है आपका कैस्पियन सी, ठीक है। तो कैस्पियन सी के देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडीज है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नासा की इमेज है। और मैं आपको बता दूं कि कैस्पियन सी में जो है ना ओनली इवेपोरेशन से धीरे धीरे छोटा हो रहा है, और इसमें जो रशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कौन सा। तो रशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो इसमें अपनी फ्रेश वाटर पानी देती है, जिससे क्या होता है इसकी सॉल्ट कंटेंट में थोड़ी कमी आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कैस्पियन सी है इट कवर्स रफली एरिया वाइज 1,43,000 स्क्वायर माइल्स, और जो लगभग 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। और ये बॉर्डर शेयर करते हैं 5 कंट्रीज हैं, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान। और इसे एंशियंट ग्रीक्स और पर्शियन जो है ना उस टाइम पे ऐसा मानते थे कि ये एक ओशियन है। हालांकि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे एक दिन ये सूख जाएगी, क्योंकि इसकी कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है। तो जो कैस्पियन सी है ये इवापोरेशन से केवल इसमें पानी कम हो रहा है, और जैसे जैसे इवापोरेशन हो रहा है इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट होता है। हालांकि कैस्पियन सी में जो है ना कोई फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ठीक है, ये कोई फ्रेश, लेकिन इसमें जो है ना वोल्गा रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है एशिया की वो पानी इसमें डालती है, जैसे क्या होता है सॉल्ट कंटेंट इसमें थोड़ी कम होती है। और एक तरह से बोल सकते हो जो काराबोगाज गोल है इसमें एक सेलाइन इनलेट है अलोंग द लेक ईस्टर्न पेरीमीटर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक तो ये लेक है, दूसरी कभी न कभी सूख जाएगी, और इसमें जो है सॉल्ट कंटेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसमें जो पानी कम होती है ओनली इवेपोरेशन से। और ये सब जो मैंने अभी फिगर देखा वो आपको नासा की फिगर है। और पहले जो है प्री हिस्ट्रिक टाइम में इसे पैराथीज बोलते थे कैस्पियन सी को, ठीक है। और जो टेक्टोनिक फोर्स अपलिफ्टिंग होती है ना ये एक्चुअली में क्या कर रहा है इस कैस्पियन सी को लैंडलॉक को जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसके लेवल को अपलिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ क्लाइमेट जो शिफ्टिंग है, वाटर की जो साइकिलिंग है, इन सब चीज़ों के कारण से एक तरह से बोल रहे हो ये कभी ना कभी एक तरीके से आप बोल सकते हो कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पे जो है ना वीडियो मिलता रहे। और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।